प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 30 नए मरीज मिले हैं। जबलपुर में 5 मरीज मिले। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच मध्य प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रात के 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। सीएम ने सभी से नियमों का पालन करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में कई महीनों के बाद कोविड के 30 नए मामले सामने आए हैं, जो कि बहुत ज्यादा चिंताजनक है। महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली तीनों ही राज्यों में एक सप्ताह से मामले अधिक आ रहे हैं। इन राज्यों से मध्य प्रदेश में लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसके अलावा सरकार ने आदेश जारी ये भी किए हैं कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले को ही थिएटर, कोचिंग और जिम में एंट्री मिले। यानी कि अगर जिन लोगों ने दोनों डोज नहीं लगवाई हैं, उनको थिएटर में, कोचिंग में, जिम में एंट्री नहीं मिल सकेगी। उन लोगों के लिए यहां पर प्रतिबंध कर दिया गया है। साथ ही व्यापारी संगठन, निजी दुकानदारों को भी वैक्सीन की दोनों डोज लेने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा स्कूल, हॉस्टल, कॉलेज में शिक्षकों, कर्मचारियों और 18 साल से ज्यादा उम्र के छात्रों को भी वैक्सीन लगवाना अनिवार्य अब कर दिया गया है। हम आज एक फैसला और कर रहे हैं कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। और हाँ, अगर कोविड का कोई पॉजिटिव केस आता है तो घर में अगर पर्याप्त स्थान है तो घर में उसको आइसोलेट करके इलाज करेंगे, और नहीं तो हर हालत में उनको हमको अस्पताल में ही भर्ती कराना चाहिए, ताकि परिजन वायरस के संक्रमण से बच सकें। सावधान रहना है, याद रखना, सावधानी में ही सुरक्षा है। मेरी प्रार्थना है आप सब सहयोग करें ताकि तीसरी लहर के संकट से हम अपने प्रदेश को बचा पाएं और अपनी जनता की जिंदगी की सुरक्षा कर पाएं। ये आप सबके सहयोग से ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ तो मध्य प्रदेश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई हैं। जी हाँ, अब नई गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जो है वो लागू रहेगा। 18 प्लस वालों को दोनों डोज लगवाना अनिवार्य कर दिया गया है। दोनों डोज लेने पर ही सिनेमा हॉल, जिम और कोचिंग में एंट्री मिलेगी। व्यापारी, दुकानदार, कर्मचारियों को दोनों डोज लगवाने होंगे। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को भी वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा। मास्क न पहनने पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये साफ तौर पर यहां पर कहा गया है कि जिन लोगों ने अगर मास्क नहीं लगाया है और जो लोग बिना मास्क के अगर बाहर निकलते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कि अब सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी गई है। और सीधा रुख करेंगे, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, कुमार इंदर जुड़ गए हैं जबलपुर से और राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो राजधानी भोपाल की ही बात हम कर लेते हैं और चूंकि जानकारी हम लेंगे राकेश से। राकेश, राजधानी भोपाल के अभी फिलहाल कैसे हालात वहां पर बने हुए हैं, कितनी लापरवाही लोगों में वहां पर देखने को मिल रही है और क्या व्यवस्थाएं? देखिए, राजधानी भोपाल के साथ समूचे मध्य प्रदेश की बात करें तो ऐसा 2 महीने बाद हुआ है जब एक दिन में 30 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये जो आंकड़े हैं ये कल के ही हैं और आज की रिपोर्ट कुछ देर में आने वाली है। यानी जो कोरोना का संक्रमण की रफ्तार है वो तेजी से बढ़ गई है। हम दूसरे बिंदु की बात करें तो दूसरा बिंदु है, चाहे भोपाल हो या इंदौर, दोनों ही शहरों में हर दिन डबल डिजिट में केसेस मिल रहे हैं। डबल डिजिट यानी 10 से अधिक मरीज राजधानी भोपाल और इंदौर में हर दिनों मिलने लगे हैं और ये जो ग्राफ है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, इसको सरकार भांप गई है। 218 एक्टिव केस, वो अब राजधानी भोपाल सहित समूचे मध्य प्रदेश की बात करें तो ये एक्टिव केस हो गए हैं। 218 प्रदेश में एक्टिव केस है, इसका ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार इसको भांप गई है और जो पहला कदम उठाया है, पहला कदम यही है कि नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके साथ ही सीएम ने अहम बात कही है, जरूरत पड़ने पर ये जो गाइडलाइन है, ये सख्ती है,
और अधिक बढ़ाई जाएगी। देखिए नाइट कर्फ्यू के हम मायने समझे तो सीधे तौर पर क्रिसमस और जो 31st का सेलिब्रेशन है उस पर जो है सीधे तौर पर उस पर चोट करेगा ये कर्फ्यू, क्योंकि दोनों ही जो कार्यक्रमों में दोनों ही आयोजनों में बड़ी संख्या में गैदरिंग होती, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होता, तो सीधे तौर पर उसको रोकने के लिए हम कह सकते हैं एक ये बड़ा कदम है। बिल्कुल एक बड़ा कदम तो यहाँ पर है ही, साथ ही मायूसी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी लोगों में भी और व्यापारियों में भी। लौटूंगी आपके पास राकेश, में कुमार इंदर हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं। कुमार इंदर, इसी सवाल के पास मैं आपके पास आना चाहूंगी कि एक मायूसी कहीं ना कहीं उन लोगों में भी है जो व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं, और साथ ही साथ उस इंतजार में बैठे रहते हैं कि कब एक बड़ा मौका आएगा और लोग पहुंचेंगे उनके यहां पर, जैसे कि पार्टीज हो गई या फिर एक बड़ा ऑर्गेनाइज यहां पर करते हैं पार्टीज को। निश्चित तौर पर जैसे हमारे सहयोगी राकेश बता रहे थे कि ये फैसला उन लोगों के लिए मायूसी भरा है जो कल 25 दिसंबर माफ कीजिएगा क्रिसमस और आने वाले सप्ताह में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन मनाने वाले थे, उन लोगों के लिए ये मायूसी भरा कदम है। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार का ये कदम उठाना जरूरी था, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में पूरे देश में जो कोरोना के है संख्या जो बढ़ गई है, तो लिहाजा 34 दिन बाद फिर से सरकार ने अपना ऑर्डर बैक किया है, नाइट कर्फ्यू पे सरकार ने आई है। ये सरकार की पहली स्टेज है कि नाइट कर्फ्यू लगाए, उसके बाद वो स्टेप बाय स्टेप यदि मध्य प्रदेश में या प्रदेश जिलों में कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो लिहाजा सख्ती के रुख और आपको देखना पड़ेगा, मतलब मध्य प्रदेश सरकार आने वाले समय में और भी फैसले इसको लेकर लेगी। लेकिन जिस तरह से जबलपुर की बात करें, जबलपुर में कल 5 की संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओमिक्रॉन और जो संभावना जताई जा रही थी कोरोना की तीसरी लहर को लेके, तो उसके एहतियातन ये फैसले लिए गए हैं। जरूरी है लोगों को भी एहतियात बरतना होगा, ठंड भी चल रही है और आने वाले समय में फेस्टिवल्स भी लगे हैं, बैक टू बैक गैदरिंग की पूरी संभावना है, लिहाजा ये फैसला लगा है। अब सरकार का फैसले के बाद इसको अमल करने की बात है, सरकार को बिल्कुल को और सबसे बड़ी बात ये भी, चूंकि क्रिसमस है उसके बाद यहाँ पर न्यू ईयर आ जाएगा, और सबसे बड़ा सवाल ये भी कि अब शादियों का सीजन भी तो शुरू हो गया है, शादियों में भी तो गैदरिंग यहाँ पर होती है। लौटूंगी मैं आपके पास बड़वानी से, हमारे संवाददाता समीर शेख जुड़ गए हैं। समीर, कैसा हाल है बड़वानी में, कितने केसेस वहां पर कोरोना के देखने को मिल रहे हैं और कैसी हलचल फिलहाल बाजारों में? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि बड़वानी ज़िले में भी प्रशासन अब हरकत में आ गया है। कि तरीके अगर हम बात करें तो बड़वानी ज़िले के पांचमल विधानसभा क्षेत्र में 2 कोरोना के मरीज मिले हैं, जिसमें एक 24 वर्षीय युवक है, वहीं एक 65 वर्षीय बुजुर्ग भी है। तो जिसके मद्देनज़र प्रशासन भी सख्ती में आ गया है और बड़वानी ज़िले के लिए कोरोना एक बड़ी चुनौती इसलिए भी बनती है कि बड़वानी जो है गुजरात और महाराष्ट्र बिल्कुल सटा हुआ है। बड़वानी ज़िले से महाराष्ट्र के जलगांव जैसे बड़े शहर जुड़े हैं और लोगों का आना जाना शुरू होता है। जिस तरीके से News24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पिछले ही दिनों प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि जो महाराष्ट्र से लोग आते हैं उनकी कोई स्कैनिंग हो रही है, और खबर के बाद जो असर हुआ था कि प्रशासन ने जो है स्कैनिंग का काम शुरू किया था। तो एक बड़ी एक चुनौतियां भी है कि चूंकि महाराष्ट्र में जो है ओमिक्रॉन ने दस्तक दे चुका है और एक बड़ी संख्या में वहां पर केस निकलना शुरू हो गए, तो एक बड़ी चिंता का विषय भी है बड़वानी जिले के लिए भी, बड़ी चिंता है। अंजलि जी बिल्कुल, यानी कि जो एक तरफ तो कोरोना दस्तक देता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। बहुत शुक्रिया कुमार इंदर आपका भी जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। समीर आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। राकेश आप बने रहिए, अगली खबर पर आपसे अपडेट लेंगे।